कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, रीड क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यहाँ लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सम ऑफ दिस आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेल सम आर हार्मफुल, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड अस वेरियस प्रोडक्ट विच वी कैन ईट लाइक कर्ड, ब्रेड एंड केक। बोलते हैं कि जो हमारे लिए यूजफुल हैं, जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि दही, ब्रेड, केक एक्सेट्रा। फॉर मेकिंग कर्ड, यानी जब हम दही बना रहे होते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, वी जस्ट नीड टू मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क, यानी कि उसे बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, बस ज़रा सा दही लेना होता है और उसको गर्म दूध में, हल्के गुनगुने दूध में मिला देना होता है। द लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया, यहाँ पे आपका एक लैक्टोबेसिकल बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, इन कर्ड, किस में होता है, कर्ड में, दही में होता है, मल्टीप्लाई, वो अपने आप में मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 का यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे 8 का कितना हो जाएगा, 8 का 16, ऐसे वो मतलब अपने आप में डिवाइड होता रहता है एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, और फिर वो क्या काम करता है, वो दूध को दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो चीज़ बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, यूज़फुल है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, बोलते हैं फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज़ कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, यानी कि जो हमारे खाने के अंदर शुगर मौजूद है, चीनी मौजूद है, उसको वो क्या करता है, उसको वो यीस्ट में बदल देता है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बैक्टीरिया और यीस्ट आर हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस फ्लोर विच इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जिंग इडली। अब बोलते हैं कि ये क्या करता है, ये आटे को फुला देता है। आपने देखा होगा कि आटा गूंथते हैं तो डो जो है वो छोटे से बड़ा हो जाता है ना, तो उसी चीज़ को कह रहा है। या आप लोग ने मार्केट से जो आपकी तंदूरी रोटी, जिसे हम लोग बोलते हैं खमीरी रोटी, तो खाई होगी आप सब ने, तो कभी आपने उनका आटा देखा है, वो भी कैसा होता है, मैदे का ही होता है वो, है ना, उसको भी ये लोग इसी तरह से फुलाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल जो दिया है, उन्होंने बताया है कि जैसे राइस चावल का आटा जो है इडली के लिए किया जाता है। यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली, यानी कि यीस्ट जो है वो और ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, 2, 2 का 4, 4 का 8, ठीक है, इस तरह से बहुत तेज़ी से गुणा होता है। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी जब वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कर रहा होता है ना, जिसे हम कहते हैं श्वसन, उसकी प्रक्रिया जब कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, यानी जब वो इस तरह से अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। दीज गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीज द वॉल्यूम एंड रिजल्ट इन राइजिंग ऑफ डो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है गैस निकलेगी तो बबल्स बनेंगे, तो ये बबल्स क्या करते हैं, वो उस आटे का जो वॉल्यूम है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमने इतना छोटा सा डो रखा होता है वो बाद में इतना बड़ा सा हो जाता है फूल के, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है लॉर्ड्स पेस्टर जो है इन्होंने डिस्कवर करा था 1857 में फर्मेंटेशन को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं तो देखें, यहाँ लिखा हुआ है दिस फर्मेंटेशन, अगर हम इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस की बात करें, इज यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, केक एंड पेस्ट्रीज। तो अब बोलते हैं कि यही फर्मेंटेशन जो है, यही प्रोसेस जो है, यही प्रक्रिया जो है, बड़ी बड़ी बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती हैं, जहाँ पे ब्रेड, केक, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। दिस इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, और ये इसके अलावा ये एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ लिखा है चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांचिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है नेम फ्यू फूड्स प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपको कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं, ऐसे खानों के नाम लिखने हैं जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही मिलते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, कर्ड, ब्रेड एंड केक आर फ्यू फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि दही, ब्रेड, केक, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से मिलती हैं। लिख लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है, हाउ डज फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ डो, फर्मेंटेशन किस तरह से जो आपका डो है, जो गुदा हुआ आटा है, उसको राइज कर देता है, उसे फुला देता है। तो ये आंसर आपका देखिए लंबा होने वाला है। आप ये नहीं कहेंगे मैम इतना लंबा आंसर, प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट नहीं करेगा, ओके, क्योंकि जब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि फर्मेंटेशन जो है ये एक प्रोसेस है जो हमारे खाने में या इस प्रोसेस के ज़रिए जो भी खाने के अंदर शुगर मौजूद होती है उसको वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या बनता है, यीस्ट बनता है। ठीक, अब यीस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और अपने कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज़ करता है रेस्पिरेशन के ज़रिए। जब वो इस गैस को रिलीज़ कर रहा होता है तो इस गैस से क्या होता है, उस चीज़ का जो डो है आपका उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और जिसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो जो डो होता है आपका वो फूल जाता है, राइज हो जाता है, छोटे से बड़ा हो जाता है। ये अभी डिटेल में सब समझा दिया है मैंने, इसलिए आंसर को हम जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इस कर्ड फॉर्मेट दही कैसे बनता है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक वार्म मिल्क, यानी कि अब इसको बनाने के लिए गर्म दूध की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए गर्म दूध की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो दूध है वो फट जल्दी जाए, ताकि है ना, ताकि उसके अंदर जो आपका फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस होगा वो जल्दी हो जाए, तेज़ी से हो जाए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे, फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन द वॉर्म मिल्क, द लैक्टोबेसिक एसिड, यानी कि जो आपका ये लैक्टोबेसिक बैक्टीरिया है ना, ये गर्म दूध में तेज़ी से फैलता है, तो तेज़ी से फैले इसलिए हमें गर्म दूध की ज़रूरत होती है। लिख लेंगे आप। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।